मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कितना भयानक सपना था। मैं तो यूं ही डर गया था। जंगल में मुझसे ज्यादा होशियार कोई भी नहीं है। बच्चे के सर पे मारता हूं। बघीरा तुम मैं घबरा गया था बघीरा, तुमने बचा लिया। मैं उस गेंडे के बच्चे को मारना चाहता था, पर उसकी माँ बीच में आ गई। अब बहाने मत बनाओ, मैंने सब कुछ देख लिया। मोगली, तुम इस लकड़ी के खिलौने को पंजा कहते हो? इससे तो गेंडे की माँ भी नहीं रुकी। मेरा पंजा उसके सींग से जहाँ टकराया वरना रुक जाती। जाने दो, अभी बच्चे हो। तुम्हारी माँ तो ये सोच कर परेशान होती होगी, पता नहीं तुम कब अपने पैरों पर खड़े होगे। मुझे लगता है बेचारी अभी तक तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाती होगी। लीला की बच्ची, रुक जा तू। Thank you.
बच्ची अपने आप को समझती क्या है? बच्चा नहीं हूँ मैं। आ गया। अरे ये इतना आकर्षित क्यों है? साथियों, एक जरूरी और चिंताजनक खबर है। दक्षिण दिशा में रहने वाले जंगली कुत्ते पानी और शिकार की तलाश में अब हमारी तरफ आ रहे हैं। जंगली कुत्तों के इलाके में सूखा पड़ गया है, लेकिन अभी तक हमारे इलाके में बहुत पानी है। उनके आने से हमें परेशानी हो सकती है। यहाँ दो झुंड के लिए जगह नहीं और वो लड़े बिना मानेंगे नहीं। वो कुत्ते हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो तो साधारण कुत्ते हैं जो अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार ढूंढने निकले हैं। हाँ, वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। ये कहना आसान नहीं। हम सबको मिलकर उनका सामना करना है। अगर उनका झुंड बहुत बड़ा हुआ तो उन्हें हराना मुश्किल हो जाएगा। साथियों, हमें सावधान रहना होगा। वो हम पर किसी वक्त भी हमला कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि उन पर नजर रखने के लिए हमारा एक साथी गुप्त रूप से उनके इलाके में जाए। मैं निगरानी रखूंगा सरपंच। कुछ कहने से पहले इतना जान लो, ये बहुत ही खतरनाक काम है। जंगली कुत्तों के अलावा उस इलाके में हमारे और भी बहुत से दुश्मन हैं। क्या तुम सबका सामना कर सकोगे? हाँ, मैं तैयार हूँ। और हम भी तैयार हैं रक्षक बनने के लिए। हाँ सरपंच, निगरानी का काम मैं और पकड़ू ज्यादा अच्छे ढंग से कर सकते हैं। रुको सरपंच, ये काम मैं करूंगा, आज्ञा दो। हाँ? मैं जानता हूँ ये काम खतरनाक है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है ये काम मैं कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ा काम है मोगली। अभी तुम इसके काबिल नहीं हो मोगली, फिर गड़बड़ कर दोगे। अब हम तुम्हारी कोई गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं गलती कर दूंगा, जब मुझे कोई काम दिया ही नहीं जाएगा? मैं भी चुन का एक योग्य सदस्य बनना चाहता हूँ। मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, समझी? सरपंच, निगरानी का काम मुझे दिया जाए। क्या तुम सच्चे मन से कह रहे हो मोगली? हाँ। क्या तुम वाकई बड़ों की तरह काम करना चाहते हो? हाँ। और क्या ये भी सच है मोगली, तुम झुंड के काम आना चाहते हो? तुमने अच्छी तरह सोच तो लिया है ना? हाँ सरपंच। तो ठीक है साथियों, ये बात काफी गौर करने लायक है। मोगली कहता है कि वो अब बड़ा हो गया है और झुंड के लिए कोई बड़ा काम करना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि ये काम मोगली को ही सौंप दिया जाए। अब बताओ क्या विचार है? उसे एक मौका देना चाहिए। हाँ, जरूर देना चाहिए। हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मोगली, हमें पूरा विश्वास है कि तुम सच्चे मन से अपना फर्ज निभाओगे। अब जरा उनसे पूछ ले जो इस काम के लिए पहले तैयार हुए थे। जी सरपंच। बोलो साथियों, मोगली इस कार्य पर जाए। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं है मोगली, सफल होकर लौटना मोगली। मैं पूरी कोशिश करूंगा पकड़ू। अगर तुम दोनों सरपंच से मेरी सिफारिश ना करते तो सरपंच तुम्हें ही भेजता। धन्यवाद। अपना ध्यान रखना मोगली, और हाँ, रास्ता मत भूल जाना। याद रखना, सूरज पश्चिम में डूबता है। कोई मुश्किल आ पड़े तो घबराना मत, हम तुम्हें सही सलामत वापस ले आएंगे। तुम चिंता मत करो। अच्छा, मैं चलता हूँ। अच्छा दोस्तों, फिर मिलेंगे। मोगली। अरे लीला, तुम अपना ख्याल रखना। क्या बात है, आज बड़े प्यार से बात कर रही हो। मुझे नहीं लगता तुम सही सलामत वापस आ पाओगे, इसलिए तुम्हारे आखिरी वक्त पे बुरा बर्ताव नहीं करना चाहती। हाँ? अच्छा, चलती हूँ।
लगता है पागल हो गई है। मुझे उस पे नजर रखनी होगी, मैं चलता हूँ। क्या उसे मदद की जरूरत पड़ेगी? जरूरत ना भी पड़े तो भी मुझे जाना होगा। मैंने वादा जो किया था चमेली को। अच्छा बालू। अच्छा तो मोगली दक्षिण की ओर जा रहा है। जी शेरखान, जंगली कुत्तों की खबर लेने। आखिर वो भेड़ियों के झुंड से दूर तो हुआ, हम उसका पीछा करेंगे तबाह की। अभी चलिए सरकार। लगता है अब यहीं सोएगा। अब मेरा पैर ठीक है। बंदर को भी ले चलते हैं। अब अपना ख्याल रखना। अच्छा अब तुम बताओ बघीरा, क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हो? जंगल से निकलते ही मुझे लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मेरे काम में दखल देने का तुम्हें कोई हक नहीं है बघीरा। गुस्सा क्यों होते हो मोगली? क्या तुम खुश नहीं कि मैं वक्त पर पहुंच गया? तुम मेरी मदद करोगे तो मैं कैसे साबित करूंगा कि मैं बड़ा हो गया हूँ? बघीरा तुम इसी वक्त वापिस चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अब तुम्हारी मदद भी नहीं करूंगा। कमाल है, एक तो तुम्हें बचाओ और ऊपर से तुम्हारी बातें सुनो। जो चाहो करो, लेकिन इतना याद रखना तुम मेरे पास बिल्कुल नहीं आओगे। अब क्या हुआ इसे? अब
मुझे लगता है उन जंगली कुत्तों ने अपना नया इलाका ढूंढ लिया है। जो भी हो, लेकिन मैं यहाँ रहकर उनकी निगरानी करूंगा। मोगली, जंगली कुत्ते स्वभाव से लड़ाकू होते हैं। वो देखो कैसे आराम कर रहे हैं। नजदीक पानी भी है, अब वो यहाँ से हिलने वाले नहीं। चलो, तुम्हारे साथियों के लिए अच्छी खबर है। शेरखान, रुको। मोगली, अब क्या हुआ? क्या बात है? शेरखान आ गया है। शेरखान और यहाँ? यहाँ से भाग चलो मोगली, उससे लड़ना पड़ा तो हम बच नहीं पाएंगे। लगता है हुजूर, बगीरा की मदद से मोगली निकलकर भाग जाएगा। शेर खान से बचना इतना आसान नहीं। मोगली और बगीरा मेरी चुंगल से बच नहीं सकते। बहुत इंतजार किया है मैंने, बहुत। सबर का फल हमेशा मीठा होता है। अब मोगली, तुम भाग नहीं सकते और लड़ भी नहीं सकते। अब मैं तुम्हारी बनाऊंगा चटनी। दूर हटो बगीरा। भाग जाओ मोगली। खबरदार बगीरा, दूर रहो। वो सुकड़ू बच्चा फिर फिसल गया मेरे हाथ से। देखता हूं किस्मत कब तक साथ देती है उसका। मोगली, कहाँ हो तुम? बोलो मोगली। बगीरा बचाओ, मैं यहाँ हूँ। बगीरा बचाओ। घबराओ मत मोगली, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मैं अभी आ रहा हूँ। मैं अब नहीं बच पाऊंगा बगीरा। बगीरा, मैं आ गया हूँ। मोगली, धीरज रखो। बगीरा, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्त। तुमने अपना फर्ज बहादुरी से निभाया है। हमें तुम पे गर्व है मोगली।
मुझे खुशी है कि तुमने अपना फर्ज निभाया, और उससे भी ज्यादा खुशी इस बात की है कि तुम सही सलामत घर लौट आए। मैं भी बहुत खुश हूँ माँ, अब समझ में आया बड़े होने का मतलब। मुझे भी घर छोड़ना होगा ना माँ, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। सोचता हूँ मेरे जाने के बाद तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा माँ। दूसरों की नजरों में बेशक तुम बड़े हो गए हो मोगली, पर मेरी नजरों में तुम अब भी छोटे बच्चे हो। तुम्हारा अभी घर छोड़ने का समय नहीं आया मेरे लाल। माँ मैं घर छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। जब तुम जवान हो जाओगे तब तुम्हें जाना ही होगा मोगली, यही है जंगल का कानून। तुम निडर हो, साहसी हो, मुझे विश्वास है अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लोगे, अपने पिताजी की तरह। हाँ माँ। अरसा हो गया साथ चले, चलो नदी किनारे घूमने चलते हैं। चलो। मैं तुमसे आगे निकल आया माँ। अच्छा ये बात है, चलो ना नदी तक दौड़ लगाते हैं माँ। आओ अब पकड़ो मुझे। कितना भाग्यशाली है हमारा मोगली, क्यों बगेरा? हाँ देखते देखते कितना बड़ा हो गया है।